बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी चने चावल। तो मैंने ऑयल गर्म कर लिया, मेरा ऑयल मैंने डाल दिया। मैं इसमें डाल लूँगी प्याज, प्याज डाल दिए। अपने प्याज को काट लूंगी ब्राउन। ये मैंने 4 कप चावल ले लिया, बासमती राइस। अब मैं इनको भिगो के धो के अच्छी तरह से और भिगो के रख दूंगी। ये कप 4 कप मैं लिए हैं। ये मेरे प्याज देखें रेड हो गए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी ताकि कलर आ। इधर मैं बना रही हूँ चिकन आलू। ये अब मैं इसमें डालूंगी पानी चावल के साथ करना। देखिए प्याज मेरे ब्राउन भी हो गए, थोड़े थोड़े भुन भी गए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चने। ये पानी इसमें डालना, ये जो मिलते नहीं बाजार से कैन में वो मैं डाल रही हूँ। और एक और डब्बा में डाल दूँ। दो मैंने कैन डाले हैं इसमें। पानी भी मैंने डाल दिया कि इसके अंदर थोड़ी सी जख्मी भी हो जाए। और इसके अंदर नमक नहीं है चनों में, तो मैं नमक भी डालूंगी। ये नमक है, पिसा हुआ गर्म मसाला है, थोड़ी सी मैंने लौंग ली है कोई 8-10 अदद, और साबुत गर्म मसाला थोड़ा सा लिया मैंने, दालचीनी ली है। ये गर्म मसाले में मेरे सारे धनिया वगैरह जितने मसाले हैं सब ये पिसा हुआ है। ये घर में मैं ग्राइंड करती हूँ, तो बच्चे मेरे ज़्यादा जो है ना वो नहीं पसंद करते, फिर मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। साबुत कहते हैं पिसा हुआ गर्म मसाला डाल दिया कर। ये मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसको ना ऊपर इसको ना ये मैंने कवर कर दी। पानी मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े, ये चने जो है ना कच्चे होते हैं ना, तो फिर पानी में डालती हूँ ना मैं तो सही तरह प्रॉपरली गल जाते हैं। आज मैं गई थी शॉप पे चिकन लेके आई, साथ ये करेले, ये घिया तोरी, ये वाली टेंडियाँ लेके आई, ये धनिया और ग्रीन मिर्च, ये मैं दे के आई हूँ लिफाफे के अंदर। इन सब को मैंने ना
फ्रिज के अंदर रखते हैं, नीचे सला रहना हमारा गर्म में फ्रिज रखी हुई है, एक ऊपर रखी हुई है एक नीचे, जो ज़रूरी होती हैं वो ऊपर चीज़ें रख देते हैं और जो है ये वाली रखनी है, क्योंकि एक दिन तो नहीं ना ये पकानी, फिर मैं नीचे रख देती हूँ इनको साफ करके। ये देखें मैंने चनों को भी अच्छी तरह से भून लिया और देखें मेरा ऑयल ऊपर आ गया, मैं इसमें फोर अदद ग्रीन मिर्चें डाल दूँ, मैंने मिर्चें डाल दी और साथ ही मैं पानी डाल दूँ। चार अदद मेरे चावलों के कप थे और मैंने ये छः अदद पानी मैंने डाला, छः कप पानी। ये देखें ये मैंने कैटल में गर्म कर ली पानी, ये मैंने डाल ली, और ये साथ ही उबाला हो गया और मैं चावल डाल दूंगी इसमें, चावल डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चावल डाल दिए और अब मैं इनको हला दूंगी, ज्यादा नहीं हलाना क्योंकि टूट जाएंगे। मैंने कवर कर दिया, ये देखें ये पानी मेरा प्रॉपरली सूख गया, ये और अब मैं इसको बुला रहा हूँ। ये मैंने हला लिया, और मैंने इसको दम लगाने लगी, ये मैंने दम तवा नीचे मैंने रखा है, ये देख ये तवा उसके ऊपर मैंने देज का रखा है, और ये मैंने टिश्यू पेपर रख के ये, और मैं इसके ऊपर ये दज्जे, और मैंने ये कर देना ढक्कन लगा दिया, ये मेरा दम आ गया। अब मैं आपको जब रेडी हो जाएंगे ना बिल्कुल 5 मिनट 3-4 मिनट तक मैं इसको दम दूंगी, दम पे रख के तो फिर मैंने आपको निकाल के दिखाऊंगी। यह मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये मैं दम खोलने लगी, और ये देखें ये कितने नाइस लग रहे हैं, अभी प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये मेरा चिकन का सालन और ये मेरे चना चावल, बताना कि आपको कैसे लगे, आप भी बनाना बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।